नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। बीते वर्ष ताज नगरी की एक युवती के कैंसर पीड़ित पिता की अखिलेश यादव ने मदद क्या कर दी। वो अखिलेश यादव से प्रभावित होकर प्रदेश सरकार का सोशल मीडिया पर गुलगार करने लगी। ये बात सपा की एक महिला नेत्री और एसपी प्रदेश प्रवक्ता पखंडी पाठक को नागवार गुजरी और उसने चिढ़कर जूही प्रकाश को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रच दिया। अपने मित्र से फेसबुक पर जूही प्रकाश के खिलाफ चरित्र जात सूचक अभद्र गंदी पोस्ट अपलोड करा दी। यही नहीं, व्हाट्सएप की टीम आई सपोर्ट अखिलेश ग्रुप में भी जूही प्रकाश के खिलाफ अभद्र और गंदा लिखा गया। इस मामले में जूही प्रकाश ने एसपी सिटी से शिकायत की है। एसपी सिटी ने कहा है कि मामले की जांच कर रहे हैं, जांच कर आई की कार्रवाई की जाएगी। पिछले तीन महीने से सोशल मीडिया पर बहुत शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं, जिसपे जिन लोगों के सबूत मिले हैं वो मैं देकर आई हूँ एसपी सिटी के पास, जिसमें आई सपोर्ट अखिलेश टीम के कुछ मेंबर इंक्लूडिंग पंखुड़ी पाठक, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल की गई हैं, मेरे खिलाफ काफ़ी सारी फेक आईडी बनाई गई हैं और काफ़ी जातिवाद गालियाँ भी दी गई हैं और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जिनमें नंबर लिखे टिप्पणी की गई है, अपशब्द लिखे गए हैं और बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें, मतलब कॉल्स भी आ रहे हैं मुझे कंटिन्यूस। और इस चीज़ के लिए मैंने मेरा एक जरिया था कि सोशल मीडिया के थ्रू मैं लोगों को अपनी बात कहने की कोशिश करूं, तो मैंने लाइव आने की कोशिश की, मैंने लाइव के थ्रू अपनी बातें कहीं पर जो बड़े लोगों ने इस चीज़ को अपने संज्ञान में नहीं लिया तो मजबूरन मुझे एसपी सिटी के पास आना पड़ा। कानून, हाँ, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करिए और रामचा यादव उन्होंने बोला कि इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करो, वो भी समाजवादी पार्टी की हैं, आप भी समाजवादी पार्टी की है, तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे आशिफ मलिक जो है आई सपोर्ट अखिलेश टीम का मेंबर है उसकी गिरफ्तारी दे दीजिए और पूरे सोशल मीडिया पर माफ़ीनामा दिलवा दीजिए। उनकी आईडी आप पूरी खोल कर देख लीजिए जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जूही से समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं है और ये बीएसपी से है, मुझे किसी और पार्टी से इंक्लूड किया गया, मेरी फेक आईडी वही बनवाती हैं और मुझे यादव के खिलाफ भड़का रहे हैं। नहीं, मेरा मैं वही जानना चाहती हूँ कि उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे पापा का ट्रीटमेंट हुआ था कैंसर के लिए, तो उस टाइम से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, अखिलेश भैया ने मदद की थी मेरे पापा के लिए, तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर मुझे जानते हैं, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, मैं समाज सेविका भी हूँ और समाज के लिए भी काम करती हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। पर्सनली मैंने उनको बात करने की कोशिश की कि दीदी आप देखिए इस मामले को और आप क्या कर रहे हैं, तो बोला उन्होंने मुझे गलत तरीके से कि जैसा किया है वैसा भुगत रहे। डिफेमेशन का काम किया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है कि शी इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड व्हाट ऑल दैट, ये जो प्रकरण आया है इस मामले में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें ये वाकया है कि फेसबुक के माध्यम से डिफेम करने की कोशिश की गई है, उनके फ़ोन नंबर को पब्लिक प्लेस पर गलत तरीके से पोस्ट किया गया है, गलत मैसेज डाल के, इन सारी ही चीज़ों के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू हो गई है, आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो फैक्ट बेस्ड होगी।